गाइस दिस इज राहुल मेहता और आज हमारा टूर का फर्स्ट डे है और हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली। ट्रेवल का सेकंड डे है। राइट नाउ वी आर एट जौरी जो कि शिमला से 145 किलोमीटर आगे है और यहां से हमारा प्लान है कल्पा होके नाको तक का स्टे करने का। कैन यू टेल मी वेयर टू स्टार्ट। आज हमारे टूर का तीसरा दिन है और इस टाइम हम लोग हैं नको में और इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री गया होगा। काफी ठंड है यहाँ पे, तो अपने जैकेट्स वगैरह अपने साथ लेके आना। नको बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए। सुबह सुबह पहाड़ के ऊपर रोशनी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ सोने का पहाड़ है। खूबसूरती, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यार मैं अपने आप को आज बहुत लकी मान रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया और मुझे मौका मिला ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने का। और ये टूर मेरी जिंदगी का लाइफ टाइम टूर होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी जगह देखने को मिलेगी। इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल। Guys, right now we are staying in Rio Purgil Hotel. Rooms काफी साफ हैं, अच्छे हैं, food काफी अच्छा है। ऑक्सीजन की कमी है। हाँ, अभी जरूरी है। अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आए तो भाई सांस इतना फूल रहा है ना, बता नहीं सकता, ऑक्सीजन बहुत कम है। और एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ मतलब इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं, स्पीति को एक्सप्लोर करते हैं, वो लोग यहाँ पे अपने स्टिकर्स चिपका के जाते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीज करनी चाहिए क्या? हमारे पास तो सब कुछ है नहीं घर, पर ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। गाइस हम लोग निकल चुके हैं नाको से काजा के लिए। इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं ग्यू, एक मंदिर में जहां 600 साल पुरानी मम्मी है। समदू से 2 किलोमीटर आगे एक ब्रिज जाता है, ब्रिज से गेट आता है, गेट से राइट लेना और 8 किलोमीटर आगे ये मंदिर आता है। मंदिर है ये, ये है मंदिर, यहाँ इसके अंदर मम्मी है। ये जो मम्मी है एक बहुत भिक्षु हुआ करते थे, सगड़ा तनीजन, ये उनकी मम्मी है। आज से बहुत साल पहले 1975 में बहुत भयंकर भूकंप आया जिसके कारण यहाँ पे 7 स्तूप हुआ करते थे, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए। उसी के साथ ये भिक्षु भी खो गए। और जब 1981 में तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे, उसी खुदाई में उनकी खोज हुई। ये जगह काफी ऊंचाई पे होने के कारण सूरज की किरणें सीधा पड़ती हैं आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा रहेगा कि आप अपने साथ एक सनस्क्रीन लेके जरूर चलें।
आर एट काजा लाहौल स्पीति। लगी हुई है बहुत ज्यादा भूख भूख और थक भी गए। होटल जहाँ पे हमें वाईफाई मिल जाए, ये वीडियो अभी अपलोड हो जाए, लेकिन मिलेगा नहीं, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बिजली की तारे हैं बस, नेटवर्क नहीं है भाई, फोन में नेटवर्क नहीं है। और धूप सीधी पड़ती है, सनस्क्रीन लेके आना नहीं तो चलो चल जाओगे।